नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टारगेट तालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में। यह इंस्टीट्यूट अब एक ऐसा इंस्टीट्यूट हो गया है जिसका नाम लेने की कतई कोई आवश्यकता नहीं है। यह इंस्टीट्यूट सफलता का पर्याय बन चुका है। जितनी भी आप देखिएगा, इसके पहले जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हुई हैं, चाहे वो आपका खंड शिक्षा अधिकारी हो, चाहे आपकी 69,000 भर्ती परीक्षा हो, चाहे आपका टीईटी हो, चाहे आपका सुपर टेट हो, इस संस्थान के द्वारा न केवल सिलेक्शन दिया गया बल्कि सिलेक्शन के साथ साथ टॉपर्स दिए गए हैं। अगर हम बात करते हैं, अभी अभी एक परीक्षा हुई जिसका मुख्य परीक्षा भी हुई, रिजल्ट भी आ गया, साक्षात्कार भी हो गया। परीक्षा का नाम है खंड शिक्षा अधिकारी, और उस खंड शिक्षा अधिकारी में कई ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हमारे ऊपर, हमारी संस्था के ऊपर, टारगेट तालुक पर विश्वास किया और सफलता को चुना। ऐसे एक व्यक्ति हैं जो जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूं उसी बिल्डिंग में रहते हैं, आशुतोष चौधरी। क्या नाम है? आशुतोष चौधरी साहब हैं, और उनका भी सिलेक्शन हुआ है खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर। खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर जब उनका सिलेक्शन हुआ, उन्होंने मुझसे मुलाकात की, तो आप समझ सकते हैं कि एक शिक्षक को कितनी खुशी होती है जब उसका कोई अभ्यर्थी परीक्षा में पास होकर अधिकारी बन जाता है। तो आपको मालूम ही है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक भर्ती परीक्षा की अधिसूचना जारी की गई है, जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा। और इस जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आपके संस्थान सफलता का पर्याय टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के द्वारा आलोक सर और रवि सर के निर्देशन में एक बैच प्रारंभ किया जा रहा है। इस बैच का नाम है निश्चय बैच, और इस निश्चय बैच में आपकी सफलता सुनिश्चित है। और इस निश्चय बैच में मेरी यह पहली क्लास है, और इस पहली ही क्लास में मैं पूरे यकीन और पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको विगत में कल या परसों आपको रवि सर का जो वीडियो मिला है उसमें सर ने जो बातें आपसे की हैं, जो प्रॉमिस आपसे की है, वह एक एक प्रॉमिस आपका पूरा होगा। इस निश्चय बैच में मेरी पहली क्लास को शुरू करने से पहले यहां पर मैंने आपके लिए कुछ लाइंस लिखी है, इनको आप समझ लीजिएगा, इनको पढ़ लीजिएगा। पहले निश्चय बैच, निश्चय करो, आगे बढ़ो, यह आज भी तुम्हारा है और आने वाला कल भी तुम्हारा है। निश्चय करो, आगे बढ़ो, यह आज भी तुम्हारा है और आने वाला कल भी। उठो, जागो, शुरुआत करो, लक्ष्य को अपने हासिल करो। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं गौरव नरंजन आप सभी का स्वागत करता हूं। और सबसे पहले हम चलते हैं कहां पर? सबसे पहले हम चलते हैं जो आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम आया है, एक बार उस पाठ्यक्रम को समझ लीजिएगा, क्योंकि इस पाठ्यक्रम को लेकर इतना विवाद है। इस पाठ्यक्रम ऐसा है जो अधिकांश बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। आप देखिएगा, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, वह पोर्शन इस पोर्शन से बहुत अलग है। अगर आप प्राइमरी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो वह बैच भी इस बैच से बहुत अलग होने वाला है। इस बैच में है क्या? तो इस बैच में जो है उन चीजों से मैं सीधा सीधा आपको डायरेक्ट परिचित कराता हूं, ज्यादा कुछ चीजें मुझे नहीं बताना है, क्योंकि रवि सर आपको पहले ही सारी चीजें बता चुके हैं। तो देखिएगा, यहां पर कुछ संकेत दिए गए हैं, इन संकेतों को आप पढ़ लीजिएगा। पहला पेपर जो होना है आपको, चाहे आप इसको प्री कह लीजिएगा या फर्स्ट पेपर कह लीजिएगा, और इस फर्स्ट पेपर में तीन चीजें आपसे पूछी जानी है। पहला क्या है? तो पहला है सर आपके यहां पर सामान्य ज्ञान, पहला लिखा है सामान्य ज्ञान, समसामयिक की घटनाएं और तार्किक ज्ञान, यानी रीजनिंग है, और आपका रीजनिंग हो गया, करंट अफेयर्स हो गया और जीएस हो गया। तो रीजनिंग और करंट अफेयर्स तो आपको रवि सर तैयार कराएंगे, बचता है जीएस का पोर्शन। उस जीएस को पोर्शन को आपको हमारी टीम, टारगेट तालुक की जो टीम है वह कंप्लीट कराएगी। मैं हो गया, राजकुमार सर हो गए, गौरव पांडे सर हो गए, अंकित सर हो गए, ज्योति मैम और वी के शुक्ला सर, तो हम सभी लोग मिलकर आपको यह जो 50 नंबर का आपका पोर्शन है इसको सबसे पहले कंप्लीट कराएंगे। भूगोल मैं पढ़ाता हूं और मेरे चेहरे से आप बखूबी परिचित होंगे, और इस भूगोल के पाठ्यक्रम में अगर इसको मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो केवल यहां पर एक शब्द लिखा है, आपको अतिरिक्त वर्णन नहीं लेना है। देखिएगा, यदि कोई टीचर आपको अन्य चीजें बताता है कि इतना पाठ्यक्रम है, उन टीचर्स से आप बचिएगा। यहां पर साफ साफ लिखा है, और आयोग जो विज्ञापन निकालता है उस विज्ञापन में जो बातें होती हैं सेम टू सेम उसी आधार पर वह प्रश्न भी पूछता है। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर लिखा है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल। क्या लिखा है? ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, या हिंदी में बोले तो भारत का भूगोल। यहां पर कहीं पर भी विश्व भूगोल की कोई भी बातचीत नहीं की गई है। आप पूरा का पूरा सिलेबस देख लीजिएगा। पहला, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, समसामयिक की घटना यानी करंट है, इतिहास,
भारत का इतिहास, राष्ट्र भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति शासन व्यवस्था, आर्थिक और सामाजिक विकास, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, और ये उसके बाद है आपका आपका रीजनिंग का पोर्शन। तो भारत का भूगोल पाठ्यक्रम में है मेरे, और साथ ही साथ जो मुझे आपको पाठ्यक्रम और कंप्लीट कराना है वह है आपका एनवायरमेंट वाला। वह कौन सा पाठ्यक्रम है? तो वह पाठ्यक्रम में आपका एनवायरमेंट वाला पर्यावरण का जो पाठ्यक्रम है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधी सामान्य विषय, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन, ठीक ना। तो बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित आपको सामान्य जागरूकता आपके पास होना जरूरी है। अब देखिएगा, कई सारे टीचर होंगे जो आपको यहां वहां की आपको भौतिक भूगोल पढ़ाएंगे, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, तो प्रारंभिक परीक्षा में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है। तो यदि आप प्रारंभिक परीक्षा पर पहले फोकस कर रहे हैं तो आपको इस वाले जीएस के पोर्शन पर फोकस करना है। मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, अब इसमें देखिएगा एक चीज है, इसमें है क्या कि इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो एसएसटी लिए होंगे, जिन्होंने बीए किया होगा, तो और कुछ लोगों ने बीएससी, तो जो बीए किए हुए हैं वो एसएसटी लेंगे, और जब एसएसटी लेंगे, सामाजिक विषय लेंगे, तो उनको सामाजिक विषय में देखिएगा, अगर मैं भूगोल की बात करूं तो उनको सामाजिक विषय में भूगोल का ए वाला पार्ट और पढ़ना है, लेकिन जो बच्चे मैथमेटिक्स लिए होंगे, बायोलॉजी लिए होंगे, उन लोगों को यह वाला पोर्शन नहीं पढ़ना है। तब आप जब आपको यह वाला पोर्शन नहीं पढ़ना है तो आप जो यहां पर ऊर्जा लगा रहे हैं उस ऊर्जा को कहां पर लगाएंगे, अपनी विषय वस्तु में लगाएंगे, अपने सब्जेक्ट पर लगाएंगे। अब आइएगा, जो लोग भूगोल से भूगोल विषय को चुनते हैं, जिनका भूगोल है, उनको और इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो उनको पढ़ना है यहां पर सौर मंडल में पृथ्वी यानी ब्रह्मांड पढ़ना है, ग्लोब पृथ्वी पर स्थान को निर्धारण यानी अक्षांश और देशांतर रेखाएं, यहां पर डायरेक्ट नहीं दिया गया है, अप्रत्यक्ष रूप से दिया गया है, ग्लोब पर स्थानों, ग्लोब या पृथ्वी पर स्थानों का निर्धारण अर्थात अक्षांश और देशांतर रेखाएं पढ़ना है, उसके बाद मोशन ऑफ अर्थ पृथ्वी गतियां। अगर ये वाला पोर्शन पूरी लाइन को पढ़िएगा तो यह प्राइमरी के जो प्राइमरी के सुपर टेट से मिलता जुलता सिलेबस है। मानचित्र सीखना है आपको, पृथ्वी के चार परिमंडल जो होते हैं, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल, इनको समझना है। पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप, विश्व में भारत, ठीक ना। तो यहां पर भी विश्व में भारत की बात की गई है, ना कि विश्व भूगोल की बात की गई है। भारत का भौतिक स्वरूप यानी भारत के भौतिक प्रदेश, भारत की मृदा, उर्वरकों का प्रयोग एवं महत्व, वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन, जीव, भारत की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत के आर्थिक संसाधन, आर्थिक संसाधनों का मतलब है खनिज संसाधन यहां पर, यातायात, व्यापार एवं संचार, ठीक ना, ट्रेड एंड कम्युनिकेशन। तो ये वाला टॉपिक आपको यहां पर ज्योग्राफी का यहां से लेकर यहां तक सेगमेंट है। उसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश स्पेशल आपको रवि सर और मेरे माध्यम से कंप्लीट कराया जाएगा, कुछ पार्ट्स आपको रवि सर पढ़ाएंगे और कुछ पार्ट मैं पढ़ाऊंगा, ठीक ना। तो उत्तर प्रदेश, भारत में स्थान, राजनीतिक विभाग, जलवायु, मृदा, वनस्पति, वन्यजीव, खनिज उद्योग, धंधे, जनसंख्या एवं नगरीकरण, वायुमंडल और जलमंडल, यानी चार परिमंडलों में यहां पर उसने स्थल मंडल लिखा, यहां पर वायुमंडल और यहां पर जलमंडल, ठीक ना। आगे बढ़िएगा इसके सिलेबस के, संसार के प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन, यानी संसार के महत्वपूर्ण जो आपके जलवायु प्रदेश हैं, टुंड्रा बायोम, मरुस्थली बायोम, भूमध्य सागरी जलवायु बायोम, विषुवत रेखीय बायोम, तो इन सभी को पढ़ना है आपको, ठीक ना। उसके बाद खनिज संसाधन एवं उद्योग, बस यहीं तक सिलेबस है भूगोल का, और भूगोल के बाद यहां पर एक और है, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन एवं उनकी उपयोगिता, प्राकृतिक संतुलन, संसाधनों का उपयोग, जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर प्रभाव, यानी यहां से जो है होता है आपका अर्थव्यवस्था वाले पार्ट को अंकित सर पढ़ाएंगे आपको, बकाया का जो पार्ट है वो मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक ना। चलिए, तो ये ओवरऑल आपका सिलेबस है, और इस सिलेबस को आप जहां पर स्टडी कर रहे हैं वहां पर इसको आप रख लीजिएगा, और इसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। इसी के अकॉर्डिंग पढ़ने के लिए आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके पास अगर आज से आप जोड़िएगा, लगभग 13-14 तारीख है, आज से आप जोड़िएगा तो आज से अगर आप इन चीजों को जोड़ते हैं तो आपके पास लगभग 55 दिन का समय है, और उन 55 दिन में एक भारतीय त्योहार भी है जिसका नाम है होली। आप ना चाहते हुए भी आपको एक दो दिन उसमें आपके वेस्ट होते हैं क्योंकि त्योहार है, कई सारे लोग आएंगे, कई सारे लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना भी होता है। तो आप मान के चलिएगा कि आपके पास केवल 50 दिन है, और इस 50 दिन में आपको सटीक
सटीक तैयारी करनी है और सटीक तैयारी करेंगे तभी आपकी सफलता निश्चित है। और सफलता को निश्चित करने के लिए ही हमारी टीम के द्वारा, आपके रवि सर के द्वारा इसको नाम दे दिया गया निश्चय बैच। क्या नाम दे दिया गया? निश्चय बैच इसको नाम दे दिया गया। अब बिना किसी देरी के मैं अपने पाठ्यक्रम को प्रारंभ कर रहा हूं और इस पाठ्यक्रम में मैं ऐसा पाठ्यक्रम लेकर चल रहा हूं जो आपको प्री में यानी प्रारंभिक पेपर में और जो आपका मुख्य पेपर है उस दोनों में आपको मिल जाएगा। तो जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं आपके सामने, उस टॉपिक को पढ़ाने से पहले आप लोग, जो लोग भी इस बैच में, हमारी इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं निश्चय बैच में, उन लोगों को केवल इतनी सी प्रक्रिया करनी है जो आपकी स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है 8382966779। इस नंबर पर एंट्री जूनियर लिखकर आप सेंड कर दीजिएगा। एडमिशन से संबंधित प्रक्रिया आपको समझा दी जाएगी, एडमिशन आपका सुनिश्चित कर लिया जाएगा। इतना मैं यकीन और दावे के साथ कह सकता हूं, हम उससे पढ़ते हैं, यहाँ के सभी अध्यापकों को जानते हैं। ये इस संस्थान के बारे में यह कहा जाता है, यह संस्थान बहुत ज्यादा पढ़ाता है। इतना संस्थान में पढ़ाया जाता है कि बच्चे कहने लगते हैं सर बस कीजिएगा, इससे बाहर नहीं आने वाला है। इतना आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा कि आप परेशान हो जाएंगे कि सर मैं कितनी बार जाऊं और कितनी बार मैं पीडीएफ फाइल्स को बाहर निकलवाऊं कंप्यूटर के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, है ना। तो आप इस बात से बेफिक्र हो जाइएगा, इतना बढ़िया कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा, प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, हैंडराइटिंग नोट्स मिलेंगे, प्रत्येक विषय, प्रत्येक चैप्टर का, प्रत्येक विषय का आपका पाठ्यक्रम कराया जाएगा और उसका टेस्ट भी लिया जाएगा। साथ ही साथ जब आपका एग्जाम होगा आपको मैराथन क्लासें भी दी जाएंगी और वह मैराथन क्लासें वो वरदान स्वरूप मिलती हैं आपको, वो एकदम रामबाण रहती हैं, वहां से क्वेश्चन आने ही आने होते हैं, वहां से क्वेश्चन आने ही आने होते हैं। आइएगा, तो मैं आज का जो पहला टॉपिक है मेरा, जो आज मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, वो है भारत की नदियों का अपवाह प्रतिरूप। चाहे भारत की नदियां आ जाए चाहे विश्व की नदियां आ जाए, अपवाह प्रतिरूप यही होते हैं। अपवाह प्रतिरूप का सर मतलब क्या है? तो यहां पर दो शब्द लिखे हैं, अपवाह और प्रतिरूप। तो अपवाह का मतलब होता है कि नदियों का प्रवाह का क्षेत्र, यानी कोई भी नदी होगी, अच्छे समझिएगा, यहां से मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं, कोई भी नदी होती है, यह नदी अकेले नहीं प्रवाहित होती है, इस नदी की कई सारी क्या होती हैं, इस नदी की कई सारी सहायक नदियां होती हैं, इस नदी की कई सारी सहायक नदियां होती हैं। तो ये जो नदी और उसकी एक मुख्य नदी है और उसकी जो सहायक नदियां हैं या जिस क्षेत्र से होकर बहती हैं, उस क्षेत्र को, उस नदी का अपवाह क्षेत्र कहा जाता है, उस नदी को, उस क्षेत्र को, उस नदी का अपवाह क्षेत्र कहा जाता है। तो एक मुख्य नदी की जब नदियां सम्मिलित रूप से प्रवाहित होती हैं तो उसी को अपवाह कहा जाता है, और जब अपवाह होती हैं तो किसी न किसी एक संरचना का निर्माण करती हैं, एक पैटर्न का निर्माण करती हैं, उसी को नाम दे दिया गया अपवाह प्रतिरूप। क्या नाम दे दिया गया? उसी को नाम दे दिया गया अपवाह प्रतिरूप। और अपवाह प्रतिरूप के आधार पर हम नदियों को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, पहला है क्रमवर्ती सीक्वेंस, ठीक ना, और दूसरा है अक्रमवर्ती सरिता। तो एक है क्रमवर्ती सरिता और एक है अक्रमवर्ती सरिता। अगर हम क्रमवर्ती सरिता की बात करते हैं, क्रमवर्ती सरिता, तो देखिएगा यहां पर क्रमवर्ती सरिता और क्रमवर्ती सरिता की बात करते हैं तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा, क्रमवर्ती, क्रम, ऐसी नदियां जो ढलान के स्वरूप बहती हैं, फिर से सुन लीजिएगा, लैंग्वेज समझिएगा, ऐसी नदियां जो ढलान के अनुसार बहती हैं, यानी जहां पर ढलान है वहीं पर ही प्रवाहित होंगी। ढलान के दूसरे शब्दों में अगर इसी को बोलें तो ऐसी नदियां जो ढलान का अनुसरण करते हुए, ऐसी नदियां जो ढलान का अनुसरण करते हुए प्रवाहित होती हैं, उन नदियों को क्रमवर्ती नदियां कहा जाता है। मान लीजिएगा कि आपके, देखिएगा आपके सिलेबस में एक टॉपिक है पृथ्वी के स्थल स्वरूप, उसने भारत के स्थल स्वरूप नहीं कहा, उसने पृथ्वी के स्थल स्वरूप कहा। स्थल स्वरूप का मतलब होता है कि जो पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, उनका निर्माण कैसे हुआ और कौन सा पठार कौन से क्षेत्र में पाया जा रहा है। उसने इसको भी बड़ी अच्छी खूबी से लिखा मानचित्रण, तो मानचित्र के आधार पर उनका अध्ययन भी करना है। तो कोई भी स्थल स्वरूप है आपके पास, कोई भी स्थल स्वरूप है, मान लीजिएगा इस प्रकार का एक स्थल स्वरूप है आपके पास, इस प्रकार का एक स्थल स्वरूप है, यानी एक भाग ऊंचा है और एक भाग नीचा है। तो नदी क्या करेगी? नदी इसके ढाल, जैसा इसका ढाल है, इसके ढाल का अनुसरण करते हुए क्या करेगी? आगे बढ़ेगी। तो ऐसी नदियां जो ढाल का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ती हैं, उन नदियों को क्रमवर्ती नदियां कहा जाता है,
उन नदियों को क्या कहा जाता है, क्रमवर्ती नदियां। तो यहां पर हम लिख देते हैं ऐसी नदियां जो ढाल का अनुसरण करते हुए प्रवाहित होती हैं उन्हें क्रमवर्ती नदियां कहा जाता है, ऐसी नदियां जो ढाल का अनुसरण करते हुए प्रवाहित होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, क्रमवर्ती नदियां कहा जाता है या क्रमवर्ती सरिता। तो क्रम से जो बह रही होंगे, जहां पर ढाल का अनुसरण होगा, अगर ढाल ऊंचा नीचा है तो उस ढाल के अकॉर्डिंग बह रही होंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर ऐसी भी नदियां होती हैं जो ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं। बिल्कुल होती हैं। तो ऐसी नदियां जो ढाल का अनुसरण करते हुए प्रवाहित नहीं होती हैं तो उन नदियों को अक्रमवर्ती सरिता कहा जाता है। अक्रमवर्ती सरिता। मैं आप पे ज्यादा चीजें लिखूंगा नहीं, ज्यादा चीजें समझाऊंगा आपको। तो क्रमवर्ती सरिता मैंने लिखा, क्रमवर्ती सरिता का मतलब यह है कि ऐसी नदियां जो ढाल का अनुसरण करते हुए प्रवाहित हो रही हैं, क्रमवर्ती सरिता, और ऐसी नदियां जो ढाल के अनुसरण करते हुए प्रवाहित नहीं हो रही हैं, यानी जहां पर ढलान है उसके विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही हैं, तो ऐसी नदियों को अक्रमवर्ती सरिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्रमवर्ती सरिता। अब देखिएगा, क्रमवर्ती सरिता में चार प्रकार की सरिताएं होती हैं। प्रधान अनुवर्ती सरिता, उसके बाद आता है परिवर्ती सरिता, उसके बाद आता है प्रति अनुवर्ती सरिता, और उसके बाद आता है नवानुवर्ती सरिता। क्या आता है? उसके बाद आता है नवानुवर्ती सरिता। ठीक ना? तो एक एक से हमें समझना है, एक एक से समझना है। तो पहले अगर हम बात करते हैं प्रधान अनुवर्ती सरिता की, देखिएगा, और मैं आपको एक चीज बताऊं, पहले मैं चीजों को लिखूंगा उसके बाद मैं डायग्राम बनाऊंगा। आप बताइएगा आपको कौन सा बेटर लगता है, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपके कमेंट्स जो होते हैं। जो हमारे पुराने भी विद्यार्थी हैं जो किसी ना किसी बैच में पढ़ रहे हैं या किसी ना किसी बैच में हमसे पढ़ चुके हैं, जरूर बाबू आपसे रिक्वेस्ट है, आप जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक के आधार पर ही हमें पता चलता है कि हम कितना अच्छा आपको पढ़ा रहे हैं और कितनी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। और आपका एक कमेंट्स हो सकता है किसी की जिंदगी बदल दे, कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारे ऊपर पहली बार बिलीव कर रहा हो उसे इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आखिर हम लोगों की गुणवत्ता क्या है, हम लोगों का अध्यापन कार्य कैसा है, हम लोग कितनी ईमानदारी से और कितनी सहजता के साथ आपको पढ़ाते हैं। तो जरूर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर बाबू एक लाइक और एक कमेंट इस वीडियो पर जरूर कीजिएगा। ठीक ना? तो पहले मैंने आपसे क्या कहा, पहले मैंने आपसे कहा कि पहले मैं आपको समझाऊंगा, डेफिनेशन लिखाऊंगा, फिर मैं देखिएगा छोटा सा डायग्राम बना दूंगा आपको कितना समझ में आएगा। प्रधान अनुवर्ती सरिता, क्या नाम है? प्रधान अनुवर्ती सरिता किसके अंतर्गत आती है? एकक्रमवर्ती सरिता के अंतर्गत आती है। तो इसकी डेफिनेशन अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो समझिएगा, क्रमवर्ती सरिता ऐसी सरिताएं जो ढाल का अनुसरण करते हुए प्रवाहित होती हैं उन्हें क्रमवर्ती सरिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उन्हें नाम दिया जाता है क्रमवर्ती सरिता। तो ढाल का अनुसरण करते हुए बहने वाली मुख्य नदी को प्रधान अनुवर्ती सरिता कहा जाता है। प्रधान इंग्लिश में क्या मुख्य। तो ढाल, मान लीजिएगा यहां पर ऊंचाई है, यहां पर निचाई है, तो ढाल का अनुसरण करते हुए प्रवाहित होने वाली, ढाल का, फिर से सुनिएगा, ढाल का अनुसरण करते हुए प्रवाहित होने वाली मुख्य नदी को प्रधान अनुवर्ती सरिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रधान अनुवर्ती सरिता कहा जाता है। तो ढाल का अनुसरण करते हुए प्रवाहित होने वाली मुख्य नदी को
प्रधान अनुवर्ती सरिता कहते हैं। मैं इसको मिटाता जाऊंगा, आप लिखते जाइएगा, प्रधान अनुवर्ती सरिता कहते हैं, प्रधान अनुवर्ती सरिता कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रधान अनुवर्ती सरिता। तो एक मुख्य नदी जो ढाल का अनुसरण करते हुए प्रवाहित होगी। अब सर हमें पता कैसे चलेगा कि यह मुख्य नदी है? मुख्य नदी उन नदियों को कहते हैं जो अपना पानी स्वतंत्र रूप से किसी सागर या महासागर में गिराती हैं। बाबू फिर से सुन लो, मुख्य नदी ऐसी नदियों को कहा जाता है जो अपना जल स्वतंत्र रूप से किसी सागर किसी महासागर में गिराती है, अर्थात यह किसी दूसरे नदी को अपना पानी नहीं देती है। जैसे अगर बात की जाती है गंगा नदी, गंगा नदी स्वतंत्र रूप से अपना डेल्टा का निर्माण करती है, जैसे गोदावरी नदी, जैसे कृष्णा नदी, जैसे नर्मदा नदी, जैसे ताप्ती नदी। यमुना, यमुना एक प्रधान अनुवर्ती नदी या प्रधान नदी नहीं हो सकती, मुख्य नदी नहीं हो सकती, क्योंकि वह अपना जल किस नदी को दे देती है, गंगा नदी को दे देती है, तो वह मुख्य नदी या प्रधान नदी नहीं होगी। हम अनुवर्ती नहीं, केवल प्रधान शब्द अभी बता रहे हैं। तो कभी भी अगर आपके सामने कोई पूछे मुख्य नदी या प्रधान नदी, तो अपना जल जो किसी दूसरी नदी को ना दे बल्कि किसी सागर या महासागर में स्वतंत्र रूप से गिरती हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, उनको प्रधान या मुख्य नदी कहा जाता है। तो ऐसी प्रधान या मुख्य नदी जो ढाल का अनुसरण करते हुए बहेगी उसे प्रधान अनुवर्ती नदी कहा जाता है। इसको हम डेफिनेशन को मिटा दे रहे हैं क्योंकि यहीं पर सब कुछ लिखना है, ठीक ना, चलिएगा। अगर इसके शॉर्ट ना लिए हो तो ले लीजिएगा। चलिए, अब प्रधान अनुवर्ती नदी के बाद बाबू दूसरी है परिवर्ती नदी। परिवर्ती नदी, दूसरी नदी आ जाती है हमारी परिवर्ती सरिता। कौन सी सरिता है? तो दूसरी नदी जो आती है यह है हमारी कौन सी, परिवर्ती सरिता। परिवर्ती सरिता की डेफिनेशन सुनिएगा पहले। ऐसी नदियां जो ढाल का अनुसरण करते हुए तो प्रवाहित होती हैं, सुनिएगा, ऐसी सरिताएं या ऐसी नदियां जो ढाल का अनुसरण करते हुए तो प्रवाहित होती हैं लेकिन स्वतंत्र रूप से किसी सागर या महासागर में नहीं गिरती हैं बल्कि प्रधान अनुवर्ती सरिता को अपना जल दे देती हैं। प्रधान अनुवर्ती सरिता से आकर मिल जाती हैं या अपना जल दे देती हैं, और प्रधान अनुवर्ती सरिता से हमेशा यह समकोण पर मिलती है, हमेशा यह समकोण पर मिलती है। मान लीजिएगा ये प्रधान अनुवर्ती सरिता बह रही है और एक नदी आएगी जो समकोण पर इस नदी से आकर मिल जाएगी, जो समकोण पर इस नदी से आकर मिल जाएगी, तो इस नदी का नाम है परिवर्ती सरिता। परिवर्ती सरिता, क्या नाम है, परिवर्ती सरिता। तो ऐसी नदियां यह भी ढाल का अनुसरण करेंगी। सर ढाल का अनुसरण आप क्यों शब्द कह रहे हैं, क्योंकि किस नदियों के अंतर्गत आ रही हैं, क्रमवर्ती सरिता के अंतर्गत आ रही हैं। तो ऐसी नदियां जो ढाल का अनुसरण करते हुए प्रवाहित होती हैं अपना जल सागर या महासागर या स्वतंत्र रूप से किसी सागर या महासागर में नहीं गिरती हैं बल्कि किसी दूसरे नदी को अपना जल दे देती हैं, और जिस नदी को अपना जल देती हैं उस नदी का नाम है प्रधान अनुवर्ती नदी। और जब यह प्रधान अनुवर्ती नदी को अपना जल देगी तो हमेशा यह है कितने कोण पर मिलेगी, 90 के कोण पर मिलेगी, समकोण पर मिलती है। तो यहां पर सीधी सीधी अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो ढाल का अनुसरण करते हुए, ढाल का अनुसरण करते हुए प्रवाहित होने वाली नदी, प्रवाहित होने वाली नदी जो प्रधान अनुवर्ती नदी से, प्रधान, देखिएगा हकीकत बताऊं मैं आपको, मैं कुछ याद करके नहीं आता हूं, बस मुझे यही डायग्राम याद है, मुझे यही डायग्राम याद है, और इसी डायग्राम के आधार पर मैं पूरा का पूरा भूगोल, पूरा का पूरा एनवायरमेंट आपको समझा, पूरा का पूरा यूपी स्पेशल आपको समझा सकता हूं। तो ढाल का अनुसरण करते हुए प्रवाहित होने वाली नदी जो प्रधान अनुवर्ती नदी से, प्रधान अनुवर्ती नदी से समकोण पर मिलती है, समकोण पर मिलती है, समकोण पर मिलती है, तो इस नदी को क्या नाम दिया जाता है, इस नदी को नाम दिया जाता है परिवर्ती नदी। मैं आपके सामने दो उदाहरण भी रख रहा हूं। एक नदी है, ये एक नदी है अलकनंदा भागीरथी, अलकनंदा भागीरथी देवप्रयाग में मिलती है, डी से देवप्रयाग, और एक नदी का निर्माण करती है, इस नदी का नाम है गंगा। गंगा नदी इस प्रकार से बह रही है,
गंगा नदी इस प्रकार से बह रही है, फरक्का बांध से फिर से यह दो भागों में बढ़ जाती है, ठीक ना। तो ये गंगा नदी है, आप समझ रहे हैं, ये गंगा है, कौन सी है, गंगा। तो गंगा नदी, ठीक ना, यहां पर एक कौन सी नदी है, हिंदी लिख देते हैं गंगा। तो गंगा नदी इस प्रकार से बह रही है, मतलब इसका ढलान ऊपर वाला भाग है और नीचे वाला, क्योंकि नदी हमेशा ऊंचे वाले स्थानों से निचले वाले की ओर बहती है। तो देखिएगा, तो अगर ये इस प्रकार से बह रही है तो इसी प्रकार से एक नदी और बहती इसी ढाल का अनुसरण करती है और इस मुख्य नदी से आकर मिल जाती है, यह मुख्य नदी से आकर मिल जाती है और ये लगभग लगभग समकोण पर आकर मिलती है। इस नदी का नाम जानते हैं, इस नदी का नाम है यमुना। एक नदी यहां पर है, अमरकंटक पठार से एक नदी निकलती है और ये ढाल का अनुसरण करते हुए गंगा से मिलती है। इस नदी का नाम है सोन नदी। कहां, कौन सी नदी, सोन। तो सोन नदी और यमुना नदी गंगा की परिवर्ती नदियां हैं, यह समकोण पर आकर गंगा से मिल जाती है, यह समकोण से आकर गंगा पर मिल जाती है। ये कौन सी नदी है बाबू, ये यमुना नदी। कौन सी नदी, यमुना। यमुना नदी से एक नदी आकर मिलती है, इस नदी का नाम है चंबल। कहां पर मिलती है सर, कहां पर मिलती है, इटावा में। एक नदी आकर मिलती है इससे, इस नदी का नाम है बेतवा। यमुना से कहां पर मिलती है सर, हमीरपुर में। एक नदी और है जिसका नाम है केन, कहां पर मिलती है, बांदा में। आप देखिएगा 90 डिग्री के कोण पर मिल रही हैं। तो चंबल, बेतवा और केन किस नदी की अनुवर्ती नदियां हैं, तो यह है यमुना की। और यमुना किसकी अनुवर्ती नदी है, तो वह है गंगा की। किसकी है, गंगा की। तो गंगा और यमुना एक ही ढाल का अनुसरण करते हुए बहती हैं और यहां पर आकर मिल जाती हैं, तो यह अनुवर्ती और परावर्ती नदियों के उदाहरण हो जाते हैं। बोलो क्लियर है बात। तो प्रधान अनुवर्ती नदी और परिवर्ती नदी, दो नदियां हो गई। अब हम तीसरी नदी की ओर चलते हैं और तीसरी नदी जो है हमारी प्रति अनुवर्ती नदी। प्रति, परिवर्ती का विपरीत है प्रति अनुवर्ती नदी। देखिएगा ये नदी क्या करती है, इसको मैं ग्रीन कलर के पेन से बना लेता हूं, इसको हम ग्रीन कलर के पेन से लिख लेते हैं, ठीक ना। प्रति अनुवर्ती नदी, प्रति अनुवर्ती नदी, यह नदी प्रति अनुवर्ती नदी है। यह नदी ढलान का अनुसरण करते हुए तो यह भी बहेगी, क्योंकि क्रमवर्ती नदियों के उदाहरण में है, ढलान का अनुसरण करते हुए बहती है और अपना जल प्रधान अनुवर्ती नदी को नहीं देती है। ढलान का एक प्रधान अनुवर्ती नदी है, जो रेड से बनाए है, प्रधान अनुवर्ती, इसको याद रखिएगा। तो ऐसी नदी जो ढाल का अनुसरण करते हुए तो बहती है और ढाल का अनुसरण करते हुए यह प्रवाहित होगी और प्रधान अनुवर्ती नदी के विपरीत प्रवाहित होगी, प्रधान अनुवर्ती नदी के विपरीत प्रवाहित होगी। यदि ये इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है तो यह इस प्रकार से प्रवाहित होगी और जब यह इस प्रकार से प्रवाहित होगी तो आगे जाके परिवर्ती नदी में अपना जल दे देगी। ऐसा कतई मत सोचेगा कि सर ढलान इस साइड से, प्रधान अनुवर्ती नदी के लिए ढलान इस साइड से है, लेकिन जो परि अनुवर्ती नदी बता रहे इसके लिए ढलान इस साइड से है। तो प्रधान अनुवर्ती नदी और प्रति अनुवर्ती नदी ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। कौन सी, प्रति अनुवर्ती नदी। प्रति अनुवर्ती नदी की अगर बात करें तो ऐसी नदी जो प्रादेशिक ढाल का अनुसरण करते हुए प्रवाहित होती है, प्रादेशिक ढाल का अनुसरण करते हुए प्रवाहित होती है, प्रधान अनुवर्ती नदी के समांतर विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, प्रधान अनुवर्ती नदी के समांतर और विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है और परिवर्ती नदी से आकर अपना पानी दे देती है। और पानी कितने डिग्री के कोण पर मिलती है, 90 डिग्री के कोण पर मिल जाती है। कौन से कोण पर मिल जाती है, 90 डिग्री के कोण पर यह मिल जाती है। तो इसको क्या नाम दे दिया गया, प्रति अनुवर्ती नदी। डेफिनेशन में नहीं लिख रहा हूं, आप समझ रहे होंगे बातों को। ढाल का अनुसरण करते हुए, फिर से एक बार डेफिनेशन बता रहा हूं, ढाल का अनुसरण करते हुए प्रवाहित होती है, प्रधान अनुवर्ती नदी के समांतर बहती है और विपरीत दिशा में बहती है। समांतर ए, देखो दोनों ए साइड मतलब एक ही मार्ग है, समांतर लेकिन विपरीत दिशा में बहती है और परिवर्ती नदी को अपना अगर पानी दे दे रही है तो इस नदी का नाम है प्रति अनुवर्ती नदी। क्या नाम है, प्रति अनुवर्ती नदी। क्या नाम है, प्रति अनुवर्ती नदी, ठीक ना। कौन सी नदी है, प्रति अनुवर्ती नदी। तो एक नदी होगी प्रति अनुवर्ती। अब इसमें एक नदी और है, नवानु अनुवर्ती, नवानुवर्ती है ना, नवानुवर्ती नदी, सॉरी चलिएगा इसको हम दूसरे कलर से लिखते हैं, एक मिनट रुक जाइएगा। रेड हो गया, सब कलर हो गया, कोई कलर बचा हुआ है,
ब्लैक रेड, रेड बच्चा है ना, चलिएगा ये डार्क ले लेते हैं। नवानुवर्ती नदी, नवानुवर्ती नदी, और नवानुवर्ती नदी, नवानु का मतलब है नई, एक ऐसी नदी यह भी प्रधान अनु यह भी ढाल का अनुसरण करते हुए बहेगी, यह भी ढाल का अनुसरण करते हुए बहेगी लेकिन प्रधान अनुवर्ती नदी के समांतर और उसी दिशा में बहेगी, प्रधान अनुवर्ती नदी के समांतर और उसी दिशा में प्रवाहित होगी। इस नदी को नाम दे दिया गया नवानुवर्ती, क्या नाम दे दिया गया नवानुवर्ती सरिता। फिर से सुन लो, नवानुवर्ती सरिता यह प्रादेशिक ढाल का अनुसरण करते हुए प्रवाहित होगी, प्रधान अनुवर्ती नदी के समांतर और उसी दिशा में प्रवाहित होती है, जबकि प्रति अनुवर्ती नदी उसी ढाल का अनुसरण करते हुए प्रधान अनुवर्ती नदी के विपरीत दिशा में, समांतर और विपरीत दिशा में बहती है, इस समांतर और उसी दिशा में प्रवाहित होती है। नवानुवर्ती नदी की लंबाई हमेशा प्रधान अनुवर्ती नदी से छोटी होगी, ये कभी भी बड़ी नहीं हो सकती, यह कभी भी बड़ी नहीं हो सकती है, ठीक ना। तो बताइएगा, इतनी बात समझ में आई। तो ये क्रमवर्ती नदियां हैं, क्रमवर्ती सरिताएं हैं, और इनका क्रम से हमने इनको एक एक से आपको समझाने की कोशिश की है, और पूरी उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में भी आई होंगी, है ना। अब देखिएगा, इस डायग्राम से अकेला आप सारी चीजों को याद कर सकते हैं, ढाल का अनुसरण करते हुए बह रही है क्योंकि क्रमवर्ती है, तो एक मुख्य नदी है, इसी को प्रधान अनुवर्ती नदी कहा गया। प्रधान अनुवर्ती नदी से जो 90 डिग्री के कोण पर आकर मिलेगी परिवर्ती नदी, और परिवर्ती नदी से 90 डिग्री के कोण पर आकर मिलेगी प्रति अनुवर्ती नदी, और प्रधान अनुवर्ती नदी के समांतर और उसी दिशा में प्रवाहित होने वाली नदी को नाम दिया गया नवानुवर्ती। क्या नाम दे दिया गया? नवानुवर्ती। तो ये जो नदियां हैं ये क्रमवर्ती सरिताएं हैं, कौन सी है? क्रमवर्ती, सीक्वेंस में बहती है। अब आता है अक्रमवर्ती सरिता, अक्रमवर्ती सरिता, तो नाम से ही आ रहा है, ऐसी नदियां जो प्रादेशिक ढाल का अनुसरण करते हुए, ऐसी नदियां जो प्रादेशिक ढाल का अनुसरण करते हुए प्रवाहित नहीं होती हैं, उन नदियों को अक्रमवर्ती सरिता कहा जाता है, उन नदियों को अक्रमवर्ती सरिता कहा जाता है। पूर्ववर्ती सरिता और अध्यारोपित सरिता, पूर्ववर्ती सरिता इसको समझते हैं पहले, पूर्ववर्ती सरिता कौन सी नदी है? पूर्ववर्ती सरिता। और अगर पूर्ववर्ती सरिता की बात की जाए तो जिन नदियों की उत्पत्ति स्थलखंड के उत्थान से पहले हो गई थी, यदि मान लीजिएगा कोई नदी है जो प्रवाहित हो रही है और स्थलखंड का निर्माण हुआ उसके पहले ही है प्रवाहित हो रही थी, है ना, उसके पहले ही प्रवाहित हो रही थी, पूर्ववर्ती नदियां। ऐसी नदियां जिनकी उत्पत्ति स्थलखंड की उत्पत्ति के पहले हो गई थी, या दूसरे शब्दों में कहें ऐसी नदियां जो जिस दिशा में बह रही हैं स्थलखंड की उत्पत्ति होने के बाद भी वह उसी दिशा में प्रवाहित होती रहती हैं, अपना मार्ग नहीं बदलती हैं, तो उन नदियों को नाम दे दिया गया पूर्ववर्ती सरिता। उदाहरण के तौर पर हमने कहा कि कोई नदी है, कोई नदी मान लीजिएगा इस दिशा में बह रही है, कोई नदी है और इस दिशा में बह रही है, यहां पर किसी प्रकार की संरचना का निर्माण हो जाता है, यहां पर एक धरातल है जो धरातल ऊपर की ओर उठाता है, तो नदी पहले से प्रवाहित हो रही थी और स्थलखंड की उत्पत्ति बाद में होती है, और स्थलखंड की उत्पत्ति होने के बाद ऐसा हो सकता था कि ये ऊंचा था इसलिए नदी यहां पर ना जाए और नदियां यहां से अपना मार्ग बदल दें, तो नदियों ने अपना मार्ग नहीं बदला बल्कि नदियां इस स्थलखंड को काटते हुए आगे बढ़ गई, तो ऐसी नदियों को पूर्ववर्ती सरिता कहा जाता है। थोड़ा सा भाषा कठिन हो रही है इसलिए मैं लिख देता हूं, तो समझिएगा, इन नदियों ने स्थलखंड की उत्पत्ति के बाद भी अपने मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं किया अर्थात
जिस मार्ग से होते हुए, अर्थार्थ जिस मार्ग से होते हुए पहले प्रवाहित हो रही थी, उसी मार्ग से बाद में भी प्रवाहित हो रही हूं, बाद में भी प्रवाहित हो रही हूं। तो ऐसी नदियों को पूर्ववर्ती सरिता कहा जाता है। फिर से सुन लीजिएगा, मान लीजिएगा कोई नदी प्रवाहित हो रही है और पहले वहां पर किसी प्रकार कोई स्थलखंड नहीं था, और नदी प्रवाहित हो रही है और यदि स्थलखंड की उत्पत्ति हो जाती है, तो जब स्थलखंड की उत्पत्ति हो जाएगी तो नदी अपना मार्ग बदल देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो जो नदियां स्थलखंड की उत्पत्ति के बाद भी उसी डायरेक्शन में प्रवाहित हो रही हैं, उसी दिशा में प्रवाहित हो रही हैं जिस दिशा में पहले प्रवाहित हो रही थी, तो ऐसी नदियों को क्या नाम दिया जाता है? पूर्ववर्ती सरिता कहा जाता है। अब उसी दिशा में तभी प्रवाहित हो पाएंगी जब यह स्थलखंड का क्या करेंगी? कटाव करेंगी। जब यह स्थलखंड का कटाव करेंगी तो ऐसी नदियां भारत में अधिकांश हैं, जैसे गंगा नदी, जैसे यमुना नदी, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी, जैसे सिंधु नदी, हिमालय की उत्पत्ति के बाद भी यह जिस डायरेक्शन में बह रही थी आज भी उसी डायरेक्शन में बह रही है। इन नदियों के डायरेक्शन में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए इन नदियों को नाम दिया जाता है पूर्ववर्ती सरिता। क्या नाम दिया जाता है? पूर्ववर्ती सरिता। आपके सामने डेफिनेशन लिखी, इन नदियों ने स्थलखंड की उत्पत्ति के बाद भी अपने मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं किया, अर्थात जिस मार्ग से होते हुए पहले प्रवाहित हो रही थी उसी मार्ग से बाद में ही प्रवाहित हो रही हैं। तो मार्ग में परिवर्तन नहीं किया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो स्थल रूप आया, जो स्थलखंड आया, उस स्थलखंड का इन्होंने क्या कर दिया? उस स्थलखंड का इन्होंने कटाव कर दिया, उस स्थलखंड को इन्होंने काट दिया। ठीक ना? बोलो इतनी बात क्लियर है? यहां तक मुझे नहीं लगता कोई समस्या होगी आपको। अब इसी में एक और आती है, अध्यारोपित पूर्व सरिता। अध्यारोपित पूर्व सरिता, इसको समझिएगा थोड़ा सा। अध्यारोपित पूर्व सरिता, क्या ये कलर समझ में आएगा? चलिए आ जाएगा। अध्यारोपित पूर्व सरिता, पूर्व सरिता, इमेजिन कीजिएगा, सपोज दैट कि मान लीजिएगा यहां पर एक स्थल का भाग है, यहां पर एक स्थल का भाग है और एक स्थल का भाग इसके नीचे की एक एक परत है, ठीक ना, और इसके नीचे एक और परत है, ठीक ना। तो यहां पर इस प्रकार से स्थल रूप है और यहां पर इसके अंदर की परतें हैं जो मैंने अलग अलग कलर से समझाई हैं। मान लीजिएगा कोई नदी, ब्लू कलर से बना रहे हैं, कोई नदी यहां से प्रवाहित हो रही है, कोई नदी है जो यहां से क्या हो रही है, कोई नदी है जो यहां से प्रवाहित होती है, कोई नदी है जो यहां से प्रवाहित हो रही है। तो नदी जब यहां से तेज गति से जब यहां से प्रवाहित हो रही होती है तो नदी क्या कर रही है? नदी धीरे धीरे क्या कर रही है? ये जो नदी है यह धीरे धीरे जो स्थल रूप है, सॉरी, जो यह नदी है यह धीरे धीरे क्या करेगी? जो स्थल रूप है इस स्थल रूप का धीरे धीरे कटाव करेगी। पहले ऊपर वाली परत का कटाव कर देगी, फिर नीचे वाली परत का कटाव कर देगी, फिर उसके नीचे वाली। तो ऐसी नदियां जो जिस धरातल से प्रवाहित हो रही हों वो धरातल का कटाव करते हुए प्रवाहित होती हैं, और ऊपर वाली जब परत का कटाव कर देती हैं तो नीचे वाली परत पर विराजमान हो जाती हैं। देखिएगा यहां पर, पहले यहां पर ब्लैक कलर की जो परत बनाया है मैंने, ए है, इसके नीचे ग्रीन है और उसके नीचे रेड है। तो प्रवाहित होती हुई जैसे आगे बढ़ेंगी, पहले ब्लैक कलर का क्या कर देंगे? पहले ब्लैक कलर की परत को काट देंगी, फिर कहां पर अध्यारोपित हो जाएंगी, कहां पर स्थापित हो जाएंगी? ग्रीन वाली परत पर। और जब ग्रीन वाली परत का कटाव कर देंगी तो फिर कहां पर आ जाएंगी? रेड वाली परत पर, यानी उसके नीचे वाली परत पर। तो नाम से ही यहां पर हम समझ जा रहे हैं अधिकांश चीजें, यहां से हम नाम से ही समझ जा रहे हैं। अध्यारोपित सरिता का अगर डेफिनेशन लिखना हो तो ऐसी नदियां जो
किसी स्थल रूप का, किसी स्थल रूप या संरचना का, स्थल रूप या संरचना का, स्थल रूप या संरचना का कटाव करके, स्थल रूप या संरचना का कटाव करके नीचे वाली संरचना पर स्थापित हो जाती हैं, संरचना पर स्थापित हो जाती हैं, नीचे वाली संरचना पर स्थापित हो जाती हैं, नीचे वाली संरचना पर स्थापित हो जाती हैं एवं उसी से होकर प्रवाहित होने लगती हैं, एवं उसी से होकर प्रवाहित होती हैं या प्रवाहित होने लगती हैं उसी से होकर प्रवाहित होती हैं या प्रवाहित होने लगती हैं। तो ऐसी सरता को अध्यारोपित पूर्व सरता कहा जाता है। अगर आप कहेंगे सर इसके कुछ उदाहरण बताइएगा, तो जैसे चंबल नदी ने मालवा पठार का अत्यधिक मात्रा में कटाव कर दिया है, यानी ऊपर वाली परत को काट के नीचे वाली परत पर स्थापित हो गई और वहीं से बहने लगी। जैसे सो नदी ने बघेलखंड पठार का पर्याप्त मात्रा में कटाव कर दिया, तो चंबल नदी हो गई, सोन नदी हो गई। साथ ही साथ आपकी अगर यूएसए में देखेगा तो हडसन नदी बहती है, तो हडसन नदी ने अपलेशियन पर्वत तंत्र का कटाव करके ऊपर वाली परत से नीचे वाली परत पर विराजमान हो गई है। तो ये कौन सी सरता है आपकी? अध्यारोपित पूर्व सरता, यानी पहले जमीन का कटाव करेगी और उसके बाद उसी पर स्थापित होकर प्रवाहित होने लगेगी। तो ऐसी नदियों को अध्यारोपित पूर्व सरता कहा जाता है। तो यहां पर आते आते जो हमने टॉपिक लिया था आज का, इस निश्चय बैच में जो हमने अपना टॉपिक लिया था अपवाय प्रतिरूप में क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती सरताओं में हमने 6 टाइप समझे और बखूबी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। साथ ही साथ आपको स्क्रॉलिंग में जो नंबर चल रहा है उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, और व्हाट्सअप में आपको क्या लिखना है, व्हाट्सअप में आपको एंट्री जूनियर लिखकर हमें सेंड कर देना है। हमारा नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 8382966779, ठीक ना। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप एंट्री करना है, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। और जो हमारा बैच है, इस निश्चय करो आगे बढ़ो, ये आज भी तुम्हारा और आने वाला कल भी, उठो जागो शुरुआत करो, लक्ष्य को अपने हासिल करो। और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपका सफलता का पर्याय बन चुकी टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट की संपूर्ण टीम आलोक सर और रवि सर के निर्देशन में आपके साथ है, और 2 या 4 दिन तक इसमें एडमिशन प्रक्रिया ओपन है। उसके बाद हम अपनी विजय यात्रा पर निकल पड़ेंगे और उस विजय यात्रा के साथ हम अपनी जीत को सुनिश्चित करके ही वापस लौटेंगे। तो फिर से आपको एक बार नंबर बता दे रहा हूं, साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक है, आप वहां से हमारी इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज यहीं रखते हैं मित्रों, उसके बाद आपको वीडियो कंप्लीटली मिलते रहेंगे, 4-5 दिन तक आपको डेमो मिलेंगे, उसके बाद आपके इस बैच को पेड बैच बना दिया जाएगा और फिर आपके उस पेड बैच में आपको पढ़ा जाएगा न्यूनतम शुल्क में, सर्वोच्च गुणवत्ता के साथ हम पढ़ाते हैं, यही हमारी पहचान है। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।